بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم مر محترم عزيزو दीन के अंदर नमाज की अहमियत क्या है और हम लोगों ने नमाज की अहमियत क्या कर रखी है आओ हम कुरान हदीस की रोशनी के अंदर इस बात को समझें हम तो या तो नमाज़ को पूरी तरीके से ज़ाया कर देते हैं मतलब पढ़ते ही नहीं या फिर पढ़ते हैं तो उसके अदाब उसके हकूक़ उसके शराइत को भूल जाते हैं। नमाज कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको इस तौर के ऊपर पढ़ा जाए कि जैसे हमारे ऊपर कोई बोझ है उस बोझ को हटा दिया जाए या कोई मक्खी बैठी उसको उड़ा दिया जाए दीन के अंदर नमाज हर मुसलमान के लिए बड़ी अहम इबादत है कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि उसके बरगुज़ीदा बंदे जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजे उनके बाद जो उनके नाइब बने उनके पेशवा बने उनमें बहुत से लोग ऐसे पैदा हो गए कि अला व तबाउहवा उन्होंने नमाज़ को ज़ाया किया और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए मुजाहिद रहमत फरमाते हैं कि यह वाकया कुर्ब क़्यामत के होगा यानी जब क़्यामत करीब आ जाएगी तो उम्मत के जो नेक लोग हैं जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद लोगों के अंदर ये हाल होगा कि नमाज की तरफ कुछ भी उनको अल्तफात नहीं होगा और फिस को फजूर आम हो जाएगा तो ये इमाम मुजाहिद रहमत अलैह फरमाते हैं तो यही हकीकत है कि नमाज को उसके हकूक़ उसके अदाब और शराइत के मुताबिक ना करा जाए और उसके अंदर कोताहियाँ कर दी जाए तो ये गुनाह अजीम है एक ज़ाया करना वो होता है जो आक़ीदता ज़ाया करे मतलब नमाज का ही इनकार कर दे और एक जाया करना अमलन होता है यानी पढ़ तो रहा है लेकिन उसके आदाब उसके शराइ उस सब से गफलत के अंदर पड़ा हुआ है जमूर मुफसरीन ने जिसके अंदर हजरत अब्दुल्ला इबन मसरूद रदी अल्लाह तकई कासिम इब्राहिम मुजाहिद उमर बिन अब्दुल अजीज वगैरह वग़ैरहल्ल आ फरमाते हैं कि नमाज को उसके अवका से मखर करके पढ़ना ये सलात है, यानी वक्त निकाल दिया जो असल नमाज का वक्त था उससे देरी कर दी और बाद मुफसरीन ने यह भी लिखा है उसके हकूक़ और आदाब और शराइ जिसके अंदर अवात भी आ गए हैं उसके अंदर कोताही करना वो भी इजाए सलात है और बल्कि बाज़ मुफसरीन ने तो यहाँ तक बात कह दी है कि बग़ैर जमात के फ़र्ज़ नमाज घर के अंदर पढ़ लेना भी इज़ात सलात है आज लोगों हम ये सब अकवाल अपने सामने रख कर देखें तो हमारी नमाजें कैसी हैं हालांकि उधर तो इरशाद ये है कि तुम नमाज ऐसी पढ़ो कि गोया तुम अपने परवरदिगार को देख रहे हो और अगर इस दर्जे के ऊपर नहीं पहुंच सकते तो कम से कम इतना तो समझ लो कि वो तुम्हें देख रहा है लेकिन इससे दरकिनार हम तो नमाज के अंदर खड़े हुए कहीं दुकानों का हिसाब लगा रहे हैं कई पैसों का हिसाब लगा रहे हैं हमें यही मालूम नहीं होता कि रकाते कितनी हुई या इमाम ने कौन सी सूरत पढ़ी है कुछ हमें पता नहीं होता हालांकि हजरत फारूक आजम रदी अल्ला ने अपने वक्त के अंदर तमाम उमाल हकूत को यह फरमान जारी करके भेजा कि मेरे नज़दीक तुम्हारे सब कामों से अहम नमाज है हालांकि सभी जानते हैं कि हुकूमत के ऊपर फाइज लोग जो होते हैं गवर्नर या वजीर उनका कितना काम होता है लेकिन उन सब को हज़रत उमर रजी अल्लाह तरमा रहे हैं कि तुम्हारे सब कामों से ज़्यादा अहम मेरे नज़दीक नमाज है और जो शख्स भी नमाज को ज़ाया करेगा तो वो दीन के दूसरे अहकाम को भी और ज्यादा जाया करेगा हजरत हुज़ैफा अन ने एक शख्स को देखा वो नमाज के आदाब और तादिल अरकान के अंदर कोताही कर रहा था उससे पूछा कि तुम ये नमाज कब से पढ़ते हो यानी इस तरीके की नमाज तुम कब से पढ़ रहे हो उस शख्स ने कहा कि चालीस साल से फरमाया कि तुमने एक भी नमाज नहीं पढ़ी और अगर इसी तरीके से पढ़ते रहो और मौत तुम्हारी आ जाए तो फितरत मोहम्मद वसल्लम के खिलाफ तुम मरोगे मतलब क्या हुआ तादील अरकान के साथ तमाम अदाब उसकी शराइत के साथ नमाज पढ़ी जाए और खुशी और खुजू के साथ अल्लाह की तरफ लो लगाकर कि हम उसको देख रहे हैं और अगर ये नहीं तो वो हमें देख रहा है इस तौर के ऊपर यह नमाज की इबादत करे अबू मसौद अंसारी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की नमाज ही नहीं जिस नमाज के अंदर इकामत ना हो मुराद लिखी मारिफुल कुरान के अंदर मतलब रुकू सजदे के अंदर या रुकू से उठने के बाद या दो सजदों के दरमियान सीधा ना बैठे यानी ठोंग के मारता रहे कौवे की तरह तो ऐसे शख्स की कोई नमाज नहीं तो नमाज के अंदर इस बात का हम लिहाज रखें कि वजू से ही जब स्टार्ट करें तो वजू के अंदर कोई कोताही ना हो नमाज़ शुरू करें तो नमाज के अंदर कोई कोताही ना हजरत हसन अलैह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक अदाउला और वतबाउ शहवात से मुराद ये है कि मस्जिदों को मतल कर दिया जाए यानी मस्जिदों को भुला दिया जाए छुट्टी कर दी जाए जाए नहीं मस्जिद के अंदर और शहवास, सनात और तिजारत के अंदर लग जाना लज्जात और ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाना ये वतबाउ वत शहवात के अंदर शामिल है तो ऐसी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ना कि जिससे हमारी नमाजें ज़ाया हों और जो जरूरी इत है उससे गफलत के अंदर पड़ जाना ये जायज नहीं ऐसे शहवा के पीछे पड़ना तो उसी को कुरान करीम ने यह इर्शाद फरमाया कि उनके बरगुजीदा बंदों के बाद कुछ नस्लें ऐसी चली उनके नाइबीन उनके पेशवा कुछ ऐसे बने कि जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और शहवात के पीछे पड़ गए बल्कि हजरत अली तो फरमाते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए ऐसे काम करना जिससे लोगों की नज़रें उठें कि वाह वाह ये आदमी ने क्या काम कर दिया यानी उसके पीछे उसका अपना मकसद कुछ ना हो सिर्फ़ दिखावा हो तो हजरत अली फरमाते हैं कि ऐसा ये शहवात के अंदर दाखिल है मिसाल के तौर मकान बना रहा है हजरत अली फरमाते मकान की तामीर दिखावे के लिए कोई सवारी वो दिखावे के लिए या कोई लिबास पहने कि उसकी इम्तियादी शान अलग नज़र आए तो ये शहवात के अंदर दाखिल है हाँ उसके पीछे अपना कोई मकसद हो तो जब तो सही है लेकिन दूसरों को हकीर और जलील समझने के लिए ऐसी चीज़ें तैयार करना कि सब मेरे सामने जलील और हक़ीर हैं और मैं ही सब कुछ हूँ तो ये चीज़ें शहवात को फ़रो देने वाली होती बहरहाल जैसे हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिदों को मतल कर देना छोड़ देना सनात और तिजारत, लज्जात और शहवात के पीछे पड़ जाना ये और उसला अशहवात का मतलब है आखिर में कुरान करीम के अंदर है इर्शादे के फसऊ अन करीब ऐसे लोग के दिन खराबी देखेंगे और वो खराबी अबदी हो या अबदी हो यानी आबादी तो इस तौर पर हो सकती है कि उसने शरीयत की अहम इबादत का सिरे से अकीदतन ही इनकार कर दिया था यानी फर्ज ही नहीं जाना था तो जाहिर सी बात है कि ऐसा शख्स तो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा के आजाब में रहेगा और बात यह है कि अमलन कोई कोताही की थी तो अपनी सजा काट करके उसको निजात दी जा सकती है तो फसोफलकौना अन करीब ये लोग आखिरत के अंदर खराबी देखेंगे गैया हज़रत अब्दुल्ल इबन मसरूद रदी अल्लाह फरमाते हैं ये जहन्नम की ऐसी ग़ार का नाम है जिसके अंदर तमाम जह़न्नम से ज़्यादा सज़ाएं मौजूद हैं वहाँ सज़ाएं जमा हैं हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि गैया ये जहन्नम की वो गार है कि खुद जहन्नम उससे पना मांगती और ये ऐसे लोगों के लिए है जो जिनाकार है उसके ऊपर मौसर है और उसके आदि बने हुए हैं ऐसे लोगों के लिए हैं जो शराब पीने वाले हैं उसके आदि हैं ऐसे लोगों के लिए है जो सूद खोर हैं उससे बाज नहीं आते और उन लोगों के लिए हैं जो माँ बाप के नाफरमान हैं और उन लोगों के लिए हैं जो झूठी गवाहियां देते हैं और ऐसी औरत के लिए है जो दूसरे का बच्चा अपने शोहर के जिम्मे लगा दे बहरहाल वईद तो बड़ी सख्त है अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए नाउजबिल्ला मनशरूरी अनफसिना व आमालीना लेकिन अगली ही आयत में लोगों अल्लाह ताला ने ये इरशाद भी फरमा दिया कि इल्ला मन ताबा वा आना वाम हाँ मगर वो लोग जो तोबा कर ले अब तोबा इनकार जो कर रहे थे ईमान में दाखिल हो जाए या मासीत गुना कर रहे थे तो नेक काम की तरफ आ जाए तो फिर ऐसे लोगों को बगैर सजा के अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल कर दी क्योंकि उसने मरने से पहले पहले तोबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और नेक काम की तरफ लग गया तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह कोई जुल्म नहीं करेगा यानी उनके बदला देने के अंदर उनके नेक कामों के अंदर कोई कमी नहीं होगी उनके सवाब के अंदर जो उन्होंने नेक काम किया उसका पूरा पूरा, पूरा बदला अल्लाह तता फरमा देंगे और ऐसी जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा की जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे कि जिसका वादा रहमान ने अपने बंदों से गायबाना कर रखा है और वो उसके वादे को ज़रूर पाएंगे और वो जन्नत ऐसी है कि उसके अंदर दुनिया की तरह फजूल बातें सुनने में नहीं आएंगी जैसे यहाँ दुनिया के अंदर बकवास गाली गलोच झगड़े टेंशन ये चीज़ें आती हैं तो लासम फी लगवा वहां ऐसी कोई फजूल बातें सुनने में नहीं आएंगी सिर्फ सलाम ही सलाम फरिश्तों की मुलाकात सुबह शाम अल्लाह की तरफ से रोजी और जब वो चाहेंगे तो ये वो जन्नत है अल्लाह इर्शाद फरमा रहे हैं कि मैं अपने बंदों में से उनको इसका वारिस बनाऊंगा जो मुझसे डरने वाले हैं यानी मुतकी और परहेजगार जो बंदे होंगे अल्लाह उसको उस जन्नत का वारिस बनाएगा अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तोफी अता फरमाए और नमाज की अहमियत हमारे दिलों के अंदर डाल दे और उसको पढ़ने की तोफी अता फ़रमाए वाखिरदाना अनिलहमद ला रबालमी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें शुक्रिया